अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? भाजपा सरकार में अनुकूल नहीं है? देखिए भाजपा सरकार तो कहती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सब नारे उन्होंने दिए हैं, आप कह रहे हो कि उनके लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल जो भी आदरणीय है, अगर गणमान्य आपको कहते हैं आप चुनाव लड़ेंगे, 40 पार्षद हैं, कोई ऐसे पार्षद हैं जो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में अच्छा? क्या आप मानते हैं कि मीनाक्षी तोमर ने वहाँ पर काम नहीं किया? सरकार उनकी है। आप तरह तरह के अभियान चलाते हैं, जो स्टूडेंट हैं उन्हें जागरूक करते हैं, और जो बेटियां हैं उनके लिए भी आप आत्मनिर्भर करने की बात कहते हैं, तो जो बेटी की टैगलाइन आपने दी है उसके बारे में बताइए सर, क्या वाकई आत्मनिर्भर बेटी होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नगर निगम रुड़की के चुनाव नज़दीक हैं और लोग अपने अपने तैयारी में जुटे हैं। कोई दावेदारी टिकट ही कर रहा है, कोई अपने निर्दलीय की दावेदारी कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो ग्राउंड पर मेहनत करता है। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं गौरव प्रधान, जो वाकई क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब की बार आप पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गौरव भाई, इतनी समाज सेवा, क्षेत्रवासियों की जो समस्या है उनका निराकरण करना, और जो बेटियां हैं और जो आपके यहाँ पर स्टूडेंट हैं उन्हें प्रोत्साहित करना, क्या चुनाव लड़ेंगे सर? क्या सोचते हैं आप इन चीज़ों को लेकर? सबसे पहले नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने मुझे मौका दिया, और मेरे सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को नमस्कार। आपने सवाल किया कि आप चुनाव लड़ेंगे जी। देखिए, चुनाव खुद तो लड़ा नहीं जाता जी। अगर मेरे सम्मानित क्षेत्रवासी मुझे कहेंगे और सबका आशीर्वाद रहेगा तो चुनाव में जरूर आएंगे। ग्राउंड पे काम तो कर रहे हैं ना सर आप? ग्राउंड में तो काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं जी। मेरे आदरणीय पिताजी ऋषिपाल जी जो ग्राम प्रधान रह चुके हैं जी, उन्होंने बहुत काम किया है, और उनको ही जो बताए हुए मार्ग हैं उस पे मैं चलने की प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों के बीच में हूँ और उनका काम करने की। अच्छा, क्षेत्र में क्या लगता है आपको, जैसे वहाँ पर जहाँ से आप लड़ना चाहते हैं वहाँ पार्षद भी होंगे, चाहे कोई सा वार्ड हो उसमें पार्षद है, 40 पार्षद हैं यहाँ पर, तो कैसा देख रहे हैं कि वाकई क्या धरातल पर काम हो रहा है या बस हवाबाजी हो रही है या फोटोबाजी हो रही है, जैसा देखा जाता है अक्सर फेसबुक पे सड़क का उद्घाटन करते हुए या कोई भी छोटा मोटा काम करते हुए फेसबुक पे फोटो होती, क्या हो रहा है सर? देखिए, अगर आप सड़क को जी, नाली को या फोगिंग को जी, इनको काम मानते हैं तो ये गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शहर की जनता टैक्स दे रही है जी, तो ये उनका अधिकार है जी। ये मैं मानता हूँ कि ये भी काम जरूरी है, पर इसके इतर हमारा बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी ओर शायद जनप्रतिनिधि अपना ध्यान नहीं कर पा, ध्यान नहीं रखता या उन्हें पता ही नहीं है कि पार्षद का काम क्या होता है, कैसे करना था, प्रतिनिधि चुना है जनता ने अपना, तो उसको कैसे हैंडल करना है। मैं देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि जी, जनता सम्मानित जनता चुनती है, उसका सिर्फ फोगिंग कराना ही काम नहीं होता जी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं जी, सरकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है जी, उस तक जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचे, देखिए सड़क लाइट्स, ये तो अगर मैं भी हूँ, एक जन मानस हूँ, तो मैं भी फोन करके ये काम करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ। ठीक है, आपके मुद्दे क्या है, मतलब अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके आपके मन में क्या है कि भाई मुझे समाज सेवा कैसे करनी है, लोगों का काम कैसे कराना है, क्या करना चाहिए ताकि हाँ मेरा वार्ड सबसे अलग लगे? देखिए, सबसे पहले मेरे कई मुद्दे हैं जी, कई बिंदु हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 21 ठीक है, जो परस्पर हैं जी, यहाँ पर एक पार्क की बहुत बड़ी जरूरत है जी, एक बारात घर की भी बहुत जरूरत है जी, क्योंकि बारात घर एक ऐसे, हर कोई आदमी बड़े बड़े रिजॉर्ट जी या वेंकट हॉल करने में असमर्थ है। ठीक है, मेरी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर सम्मानित जनता मुझे मौका देती है तो मैं एक पार्क जी और बारात घर ठीक है, इसके लिए प्रस्ताव दे के इनको बनवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, दूसरा, पन्याला रोड एक इतना बड़ा बिजनेस का हब बन चुका है जी, और जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है जी। मेरी ये प्राथमिकता ये भी रहेगी कि एक शौचालय का भी
वहाँ पर निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया जाए। ठीक है। दूसरी बात, कई ऐसे विषय हैं जिसकी ओर जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उनका ध्यान नहीं है। अच्छा, जो पनियाल रोड पे जाम की स्थिति रहती है उसे कैसे देखते हैं, क्या उस जाम की स्थिति को आप निपटा पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहरी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके उससे जाम लग जाता है, तो आप किसे किसे कहेंगे सर कि ये गाड़ी यहाँ पार्क ना करें? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि जाम अगर लगेगा उसके लिए कभी ना कभी हमें भी उसके लिए झूझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी है, हम अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं, दूसरी की असुविधा ना उत्पन्न करें जी। तो हमें पहले तो गाड़ी अगर हम मार्केट में ला रहे हैं तो उसके अच्छे से पार्किंग की व्यवस्था करें जी, और नहीं भी हो पा रहा तो उसको शायद साइड में लगा सके। ठीक है। दूसरी बात, आप कह रहे जाम की व्यवस्था, तो जाम के लिए हमें खुद को जिम्मेदार बनना पड़ेगा और उस जाम के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि ऐसा ना, प्रशासन हर समय मौजूद नहीं रह सकता जी। तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जल भराव जो होता है आसपास में, जो जल भराव है, लोग परेशान हैं। ये पूरी रुड़की का ही है मुद्दा, पर मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। जल भराव के लिए जो नाले की सफाई नहीं हो पा रही जी, जो निकासी नहीं हो पा रही, उसके लिए ये जल भराव के, देखिए मेरा जो चुनाव वर्तमान में पार्षद है वो क्या कर रहे हैं सर, जब आप ही सारी समस्या आपने गिनवा दी कि ये समस्याएं हैं, तो जो वर्तमान के पार्षद है उन्होंने कुछ किया नहीं? देखिए, हमारा जो अनुभव रहा है जी, मैं अपने पिताजी को देखता आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा सफीपुर था, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 21 जी, ये पूरा एक सफीपुर में था। ठीक है। तो इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उस पर हमारा बहुत पहले से ध्यान है जी। और इस बार अगर मेरी सम्मानित जनता, मेरे क्षेत्रवासी, मेरे गणमान्य जो भी आदरणीय है, अगर वह गणमान्य आपको कहते हैं आप चुनाव लड़ेंगे, 40 पार्षद हैं, कोई ऐसे पार्षद हैं जो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? अच्छा, देखिए मैं 40 का तो मैं कह नहीं पाऊंगा। नहीं, 40 कहने, कुछ पार्षद हैं कैसे जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं? हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हों, और मैं नाम अभी, देखिए सबका नाम लेना एक अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिसका नाम नहीं लिया जाएगा वो है, तो परसेंटेज में बता दिए, हो सकता है 50% कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, 30% के करीबन। अच्छा, मतलब 40 पार्षद है, वो 30% जो पार्षद है वही काम कर रहे हैं? नहीं, काम का मतलब प्रयास सभी कर रहे हैं, 70% पार्षद है वो काम नहीं कर रहे हैं आपकी नजरों में? नहीं, काम देखिए, काम होना एक इतर है, ठीक है, पर जो जनमानस की एक मूलभूत जरूरतें हैं उसको हम टच करें जी, वो एक बात अलग, मतलब पब्लिक से ना भागे, बिल्कुल उनके टच में रहे, हमें पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा, हमें जनता के बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता एक ऐसा आपको क्यों बनाती है, जनता आपको प्रतिनिधि इसलिए बनाती है। वार्ड नंबर 17 में मीनाक्षी तोमर पार्षद हैं और जो उनके पति हैं वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, क्या आप मानते हैं कि मीनाक्षी तोमर ने वहां पर काम नहीं किया? सरकार उनकी है। देखिए, सरकार वो तो कहते हैं उन्होंने काम किया है। देखिए, अगर काम हुआ है तो धरातल पे तो आप भी रहते हैं जी, और धरातल पे पता लग जाएगा जी, जो लोगों की मूल सुविधाएं हैं वो अभी वंचित हैं। ठीक है। और देखिए, फिर वही वाली मतलब कहानी, राजनीति की तक राजनीति, देखिए सड़क वही वाली कहानी है, पानी निकासी, ये जो पानी की निकासी है मेन मुद्दा तो वो है, उसके लिए हम प्रयास क्या किया, प्रयास कुछ नहीं है। ठीक है। आप तरह तरह के अभियान चलाते हैं, जो स्टूडेंट हैं उन्हें जागरूक करते हैं, और जो बेटियां हैं उनके लिए भी आप आत्मनिर्भर करने की बात कहते हैं, तो जो बेटी की टैगलाइन आपने दी है उसके बारे में बताइए सर, क्या वाकई आत्मनिर्भर बेटी होनी चाहिए? देखिए, जो बच्चियां हैं जी, ये माहौल उनके लिए अभी अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? भाजपा सरकार में अनुकूल नहीं है? देखिए, भाजपा सरकार तो कहती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सब नारे उन्होंने दिए हैं, आप कह रहे हो कि उनके लिए अनुकूल नहीं है? अनुकूल का मत, देखिए अनुकूल अगर होता तो बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध है कैसे हो रहे हैं? ये तो कांग्रेस ही टाइम में भी हुए। मैं कह रहा हूं सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, बेटी का जो सम्मान है वो सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है। बेटियों को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए आगे आना होगा, उनको सीखना। अगर आपको आपकी जनता कहती है चुनाव लड़ने जी, वो पांच काम बता दिए, वार्ड में बता दीजिए कि
21 में कौन से काम होंगे और 17 में कौन से काम होंगे अगर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए 21 और 17 अलग अलग नहीं है, परस्पर हैं, दोनों सीमाएं बराबर हैं और हमारा पुराने से ही क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहले मेरे यहाँ पर जो मुझे महसूस हुआ, पार्क की और बरातघर की, ठीक है, इसका प्रस्ताव दिया जाएगा। मेरे जो दुकानदार भाई हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी, क्योंकि देखिए हर कोई अपने घर से दूर है तो जो शौचालय जाना हो तो कैसे जाएगा, टॉयलेट के लिए नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, जो वृद्ध हैं, विधवा है या हमारे दिव्यांग हैं, उनकी जो पेंशनें हैं उसके लिए प्रयास किया जाएगा जी। तीसरा, आजकल आप देख ही रहे हैं चोरी की घटनाएं बहुत हो रही है जी, तो मेरा प्रयास ये रहेगा जो चौराहे हैं जी, इस पे सीसीटीवी का एक प्रस्ताव दिया जाएगा, उसमें लगवाने की पूरी मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है। तीसरा, एक मेरा खुद का प्रयास है, निजी प्रयास जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं जी और वो नहीं जा पाते, किन्हीं कारणों के हो सकता है नहीं जा सकते, तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार साल में एक बार ईश्वर ने अगर चाहा तो तीर्थ यात्रा के लिए जरूर मैं प्रयास करूँगा। ठीक है। पांचवा मेरा प्रयास ये रहेगा, जो बच्चे हैं, जो गरीब तबका है या ऐसा है अपने सक्षम नहीं है जी, उसके लिए अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों के साथ मिलके जी उनको शिक्षा के लिए उन्हें एक व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्हें तो अपने पांच काम बता दिए, आपके पांच काम क्या होंगे और आपको मैं बता दूं, वार्ड नंबर 17 से और वार्ड नंबर 21 से दावेदारी कर दी है गौरव प्रधान ने, और आप क्या चाहते हैं और क्या मानते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए। एक पार्षद है, पार्षद को जनप्रतिनिधि जो लोग चुनते हैं उनका जनप्रतिनिधि बनता है, उसके क्या काम होते हैं और वाकई जो गौरव प्रधान ने काम बताए हैं क्या वो वाकई होने चाहिए या आप कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और सर आप क्या कहेंगे जनता से? मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस बार अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, स्नेह जी एक बार अवश्य दीजिए, और मैं आपकी सेवा में जैसे आदरणीय पिताजी ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी जी, और अंतिम छोर तक सरकारी सुविधाओं के लिए लोगों को उनके पास पहुँचाया, तो वही प्रयास, वही सम्मान मैं अभी आपका कभी कमी कर नहीं होने दूंगा, और आपके साथ हमेशा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे, यही मेरी वो है। और धन्यवाद। कौन बनेगा नगर निगम पार्षद रुड़की, ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने तो दावेदारी कर दी है, अब कौन बनेगा ये भविष्य के गर्भ में, ये जनता के हाथ में है कि वो अपना जनप्रतिनिधि, अपना पार्षद किसे चुनती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।